वो दिन दूर नहीं जब हमें हर एक MIUI 12 के अपडेट के साथ एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कदम बढ़ाया जा रहा है और कई सारे रोम अब हमें देखने को मिलने लग गए हैं एंड्रॉयड 11 के सपोर्ट के साथ। और इसी में से एक लेटेस्ट रोम अभी मैं यूज कर रहा हूँ जो कि एंड्रॉयड 11 के सपोर्ट के साथ प्रोवाइड किया गया है। और एंड्रॉयड 11 होने का बेनिफिट है कि आपको कई सारे नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि एंड्रॉयड 10 पे पॉसिबल नहीं था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस स्लाइडर है ये हमें पिन देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से, जो कि एंड्रॉयड 11 की वजह से पॉसिबल हो पाया है और एक थोड़ा ओल्ड फीचर्स हो चुका है, बट हमारे रेडमी के नोट 4 डिवाइस के लिए काफ़ी ज़्यादा ये लेटेस्ट और न्यू है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे नए जो कि अब तक आपने यूज नहीं किया था। बस आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है और मैं इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको दे दूंगा कि क्या कुछ इस एंड्रॉयड 11 के साथ आपको देखने को मिलेगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप भाई नए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के अपडेट्स के वीडियो आपको मिलते रहे और आप उनका बेनिफिट ले पाओ। और इस रोम का लिंक इन फ्यूचर अगर एक्सपायर हो जाता है, काम नहीं करता है, तो इसका मिरर लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो कई सारे रोम्स के रिव्यू के साथ मैं मिरर लिंक प्रोवाइड करता हूँ जहाँ से आपका लिंक अगर काम ना करे तो आकर डाउनलोड कर सकते हो। तो इसे भी आप ज्वाइन जरूर कर लेना, काफ़ी काम का चीज़ है और इन फ्यूचर ये आपके काफ़ी काम आएगा। और ये सेटअप का वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले ही दे दिया था, आप इंटरेस्टेड हो तो यूज कर लेना। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ इस बार हमें नया देखने को मिलता है और कुछ कमी है इस एंड्रॉयड 11 के MIUI 12.5 के अंदर या फिर नहीं। एंड्रॉयड 11 होने की वजह से आपको नोटिफिकेशन पैनल में काफ़ी अच्छा चेंज देखने को मिलेगा, जिसपे आप है जो अपने नोटिफिकेशन को इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। साथ साथ यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर कुछ नए लुक में आपको देखने को मिलता है, यानी ड्रॉ करने पे, डाउन करने पे यहाँ पे आपको ब्राइटनेस स्लाइडर पिन देखने को मिलेगा और बाकी आप इसे अप एंड डाउन कर सकते हो, जो कि एंड्रॉयड 11 की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और स्मार्ट होम एप्लीकेशन अगर आपके पास है घर पे तो उसे भी आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे, उसका भी एक्सेस मिलता है एंड्रॉयड 11 होने के वजह से। साथ ही साथ अगर हम आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं अपने सेटिंग की ओर, तो इस डिवाइस में बात करें कि क्या अबाउट में देखने को मिलता है, तो ये 12.5 का एक EU का बिल्ड है जो कि 21.1.20 पे रन कर रहा है, जिसका डिवाइस नेम Redmi का Note 4X जिसका कोड नेम मिड्डो है। यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड 11 और एक फ्री बिल्ड है, कोई भी चार्जेबल वगैरह नहीं है, तो आप इसे इजीली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल कैसे करना है उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड किया गया है जो कि 2021.1.1 है और यहाँ पे 4.9 के कोई डिफरेंट कर्नल यूज किया गया है, बट क्या है भाई कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस भी मुझे ठीक लगा है। बैक की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन देखने को मिलता है जो कि अच्छे तरीके से काम करता है और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जिस डिवाइस से पोर्ट किया गया है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सपोर्ट करता है, बट हमारा डिवाइस तो है नहीं, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट का आपको एनिमेशन दिखाई देगा लॉक स्क्रीन पे, बट ये किसी काम का नहीं है तो इसे आपको इग्नोर करना है। और यहाँ पे फेस अनलॉक भी अच्छे से काम कर रहा है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आया है। रिंगटोन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको रिंगटोन का नया लुक देखने को मिल जाता है जो कि अच्छे से काम करता है, इफेक्ट हमारे किसी काम का नहीं है, फॉन्ट मिलता है, सुपर लाइव वॉलपेपर के भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, बट ये सब कुछ है जो आपको डाउनलोड करना होगा तब जाके आपके लिए काम करेगा, यानी अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा इनका यूज ना करें क्योंकि इससे रोम और काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ऑलवेज ऑन यहाँ से रिमूव किया गया है क्योंकि ये काम नहीं करता है हमारे डिवाइस के अंदर, तो अच्छी बात है क्योंकि उससे बैटरी ड्रेन हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बैक आते हैं डिस्प्ले के अंदर तो नाइट मोड, डार्क मोड, रीडिंग मोड आपको देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से काम करता है। लेकिन जब भी आप इसे ऑफ करोगे तो कलर थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तो आपको यहाँ से आके कलर को फिक्स करना पड़ेगा। बैक की ओर आते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे साउंड एंड प्रोफाइल, और एंड्रॉयड 11 होने की वजह से कई सारा नया फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये साउंड असिस्टेंट दिया गया है जो कि किसी एक सिंगल एप्लीकेशन के लिए आप साउंड को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि हम आते हैं अपने यूट्यूब के ऊपर और यहाँ पे मैं कोई वीडियो को प्ले करता हूँ, ठीक है, तो ये रहा मेरा ही वीडियो खुद का HowaOS जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसका, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आइकन देखने को मिल रहा है जिसके हेल्प से मैं अपने YouTube के वीडियो को साउंड को कंट्रोल कर पाऊंगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और बैकग्राउंड आपको ब्लर ब्लर ट्रांसपेरेंट देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। तो इस तरीके से आप जो कंट्रोल कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन के साउंड को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स है। उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है साइलेंट का नया स्टाइल जो कि कुछ इस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे साइलेंट,
होना चाहिए एप्लीकेशन, म्यूजिक, वीडियो, अदर वगैरह, तो ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसका DND का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और वॉल्यूम पैनल पे भी आपको नया लुक देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से पॉपअप वगैरह जब भी हम इसे ऑन या फिर ऑफ करेंगे। इसके बाद नोटिफाई कॉल के लिए आ जाएगा और यहाँ पर नोटिफाई अबाउट रिपीट कॉल्स वगैरह ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये सब कुछ एंड्रॉयड 11 की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है रेडमी के नोट 4 यूजर्स के लिए। होम स्क्रीन के अंदर वही सारे आपको सिमिलर कस्टमाइजेशन मिलते हैं जिसमें कुछ खास चेंज नहीं है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको वही सारा ऑप्शन मिल जाएगा जो कि पहले हमें मिलता हुआ आया है, तो इसमें भी कुछ खास नया नहीं मिलेगा। फिंगरप्रिंट का रिस्पांस काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, तो फिंगरप्रिंट में कोई टेंशन नहीं है, ना ही आपको फेस अनलॉक में कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो ये भी प्रॉपर काम करता है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन में भी कुछ नया नहीं है, जैसा था सेम टू सेम आपको वैसा ही देखने को मिल जाता है। ऐप्स भी सेम है और एडिशनल के अंदर आते हैं तो यहाँ पे रीजन भी काम करता है, तो आप यहाँ पे अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आएगा, कोई भी बूट लूप का इशू नहीं है। बटन एंड जेस्चर में आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि सही है, और यहाँ पे नेबर का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये चीज़ मुझे मिसिंग मिला है जो कि एडिशनल में नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं अपने होम स्क्रीन के अंदर तो यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो जैसे बाय डिफॉल्ट डिसेबल रखा गया है तो आपको बिल्ड प्रोब को एडिट करके इनेबल करना पड़ेगा, तो आप कर लेना, मैंने बहुत टाइम पहले भी बताया था कैसे इनेबल करना है। अगर हम अपने गेम टर्बो की बात करें तो यहाँ पे मैंने अनटूटू को ऐड कर रखा है, इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमें अनटूटू को देखने को मिलता है स्कोर और क्या चेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा स्कोर है जो कि 99605 का है, और यहाँ पे अगर हम गेम टर्बो की बात करें तो कुछ भी नया फीचर्स यहाँ पे नहीं मिलता है, तो सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पे अनटूटू का स्कोर काफ़ी अच्छा है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है, जैसा कि एंड्रॉयड 10 वाले रोम पे मिलता है सेम उसी तरीके से एंड्रॉयड 11 पे है, तो स्मूथ काफ़ी ज़्यादा सही है और जैसे जैसे ये रिबूट ज़्यादा होगा वैसे वैसे ये काफ़ी ज़्यादा और स्मूथ होता जाएगा, तो आप जितना रिबूट करोगे उतना अच्छा ही आपको यहाँ पे फील देखने को मिलेगा। पहले से ये प्री रूटेड होता है तो यहाँ पे आपको बस हाइड ऑन करना है और नेट सेफ्टी आपका पास हो जाएगा, यानी आप बैंकिंग के ऐप को यहाँ पे यूज कर पाओगे, दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जो नॉन रूट यूजर्स है उनके लिए दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे FM भी मिल जाता है, तो आप FM रेडियो यूज करते हो तो यूज कर पाओगे, इससे रिलेटेड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कैमरे में भी कुछ चीज़ें चेकआउट किया है, तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल फोटो क्लिक करते हो उसके डिफ़ॉल्ट कैमरे से तो आपको हल्का थोड़ा कलर ज़्यादा देखने को मिलता है, आप देख सकते हो हाथ पे कलर कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन जब पोर्ट्रेट का आप यूज़ करोगे तो कलर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, नेचुरल टाइप का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पोर्ट्रेट का बग मिलता है, तो आपको GCam वगैरह यूज करना पड़ेगा, बाकी अदर चीज़ें आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो 11 के फीचर्स है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, गैलरी भी अच्छे से काम कर रहा है और यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स जो है ID वगैरह, आर्ट वगैरह, वीडियो एडिटिंग वगैरह, ये भी आपको वर्किंग देखने को मिलता है, तो इससे भी रिलेटेड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके कुछ प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो इसका हार्डवेयर बटन है इसका लाइट काम नहीं करता है, बट मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो दिया था कि इसे कैसे फिक्स करना है, उसे आप वॉच करके इसे फिक्स कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको वीडियो कॉल का भी तक सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आप अगर कॉलिंग वगैरह करोगे तो वीडियो कॉल का आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो आपको व्हाट्सएप ड्यू वगैरह ही यूज करना पड़ेगा वीडियो कॉल करने के लिए, अदरवाइज बाकी जो फीचर्स है वो अच्छे से काम कर रहा है, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला है। रही बात चार्जिंग स्पीड, तो जैसा कि बाकी अदर MIUI 12.5 में आपको स्पीड मिलता है सेम उसी टाइप से मिलेगा, और बैटरी जो ड्रेन का प्रॉब्लम है वो भी उसी टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे सेटिंग की ओर आते हैं तो आपको हेडलाइन देखने को मिलता है, यहाँ पे बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हो, कुछ हेडलाइन डाल सकते हो और मैनेज फेवरेट वगैरह भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि अच्छे से काम कर रहा है, और ये बिल्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है और दूसरे की ये फ्री भी है, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि भाई एक बार ज़रूर चेकआउट करो और आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना इस रूम के बारे में कि आपको कैसा लगा, आपको कोई प्रॉब्लम मिला या फिर नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ काफ़ी अच्छा है, स्टार्टिंग पे काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिला था, बस 4-5 रिबूट के बाद ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है और अच्छे से काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत अभी तक मुझे नहीं आया है यूज करने में, और यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह भी आपको वर्किंग देखने को मिलता है, तो इससे रिलेटेड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें।